एग्जिस्ट करने के लिए उसकी अपोजिट चीज होना जरूरी है। याद है पिछली बार मैंने आपको कहा था कि भारत के एक बहुत ही सर विवादास्पद स्पिरिचुअल गुरु ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उनके ऊपर इल्जाम था कि वो सिर्फ जो है वो अमीर लोगों को ही वो सिखाते थे आध्यात्म। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम अमीर लोगों का अध्यात्म सिखाते हो? वो कहते थे साहब गरीब लोगों का लौट के फिर अध्यात्म सिखा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं नहीं सब लोग गरीबों का उत्थान करने में वो अवतार बन, अमीरों ने क्या नुकसान किया तुम्हारा? कहते नहीं ऐसा नहीं, कहते अमीर लोगों को ही भगवान जैसी चीज पाने का हक है। तो किसी ने कहा क्या बात कर रहे हो ऐसा बोल जाता है? बोलते नहीं मेरा मानना है एक आदमी जो कि पैसे जैसे तुच्छ चीज नहीं कमाया पाया उसको भगवान जैसे महान चीज कमाने का हक है। लुक एट द ब्यूटी, वो तो बिल्कुल दाऊद इब्राहिम वाला जोक है ना कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा पहले पकड़ो तो सही फिर छोड़ेंगे। तो होना तो चाहिए छोड़ने से पहले, वो तब त्याग करे ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास डर हो, यानी क्षमा भी उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो। इमेजिन करो एक बलियन सांप आया उसने आपको कहा कि जा छोड़ा, तो आप कहीं वैसे भी क्या उखाड़ लेते हैं? जहर हो तभी क्या करे वो क्षमा करे। उसी तरह से हो कर छोड़ा जाए, पा कर त्यागा जाए, पा नहीं सक रहे हैं इसलिए। इसका बड़ा अच्छा जोक है सर, मेरी दादी जो है अब खैर रिकॉर्ड हो गए तो दादी के हाथ में जो है जब गूगल पे जाएगा तो दादी जो है वो चार धाम की यात्रा पे गई। उस टाइम क्या होता है चार धाम की यात्रा मतलब कि आप यकीन नहीं था कि वापस लौटने के लिए लड़े एक वक्त था, तो वहां से वापस आएंगे तो वहां कुछ त्याग क्या था। तो मेरी दादी जब वापस आई तो हम लोगों ने पूछा क्या त्याग है तुमने? बोले करेला, मैं वैसे भी नहीं खाती थी। तो मेरा मतलब है पाक त्याग करे तब बड़ा मजा आया। लेकिन बस वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि नॉट द मनी दैट यू हैव नॉट अर्नड, नॉट टू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, एंड नॉट टू इंप्रेस पीपल यू डू नॉट लाइक। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इसके साथ ही जो कैन मनी ब्रिंग हैप्पीनेस जो है उसमें हाउ डू यू मैनेज मनी वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जैसे अभी मैंने जो बात किया है आपको लग सकता है वॉज मोर मे बी टूवर्ड द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट, बट द गुड थिंग इन ऑल इंडियन कल्चर इज दैट वी हैव नेवर सेपरेटेड मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, बोथ हैव गॉन हैंड इन हैंड, एंड दैट्स वेयर वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब एंड दिस प्रिस्क्राइब दैट when you have money, manage it in a proper way. And that's where we have been pressing upon that the financial literacy among people should rise so that they are able to manage their investments properly. They can think about or they can share their wealth about maybe the mutual funds. They can do the liquidity planning properly. They can do their emergency fund planning properly. They should do about the income tax so that the income tax planning can be better. And even they should know about the estate planning, how to make will, all that is important. Now these have become very problematic issues and sometimes a dilemma. We all know that making a will is very, very necessary. How the daughter asks the father, Papa, have you made the will? It doesn't look good because, so that's a big problem. So money will bring happiness. And for that, you should know that how do you use the money, how do you manage the money. But that is where the Western thinking ends, and that's where the Indian thinking starts. That now, even after that, there are some things which are important. One is daan, very important. Donations, very important. How do you do it? Then shubla, which I have stressed upon earlier, quite important in Western context. They talk about post-tax profit. That if your profit, if your money, you have paid the tax, then you know that's the best money, that's the white money, and you know the sacred form of money, you can say. But in Bharat, we talk about shubla, which is far, far superior concept. So my appeal to all of you is that improve your financial literacy so that you can improve the way you can manage money. You can stay away from frauds. And you can make your life happy, others' life happier. And if you do this, Bhagavan will be happy. Sure. A lot of happiness.
FOM के नाम से भी जाना जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। डॉक्टर आरडी अग्रवाल की एक बुक है हरी रंग की, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वो बड़ी गजब की बुक मानी जाती है। उसका पहला पेज पढ़ते थे मुझे लगा कि मैंने शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी। वो पहले लाइन ने मुझे जैप कर दिया। वो पहली लाइन पता है क्या थी? डिफेंस थी, बहुत ही खूबसूरत है वो लाइन थी। पहली लाइन, इंडिया इज नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इट इज एन अंडर मैनेज्ड कंट्री। क्या खूबसूरत लाइन है, आप सोचिए पहली लाइन उससे। मेरा मानना है कि सर कह रहे थे वो यही, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क हमारा देश बहुत परसों नहीं जानता है। हमारा देश पता नहीं क्यों इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझता। उसके अलावा हम जो दान देने की बात कर रहे हैं, आयुष की बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। आप देखिए बिल गेट्स ने शायद जितना दान दिया होगा पिछले कुछ वर्षों में उतना किसी ने नहीं दिया होगा। बिल गेट्स कहते हैं मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुझे दिन भर जो है वो शाम को 4 बजे तक ये सोचना पड़ता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, और 4 बजे नहीं कि मुझे सोचना पड़ता है पैसा कैसे दूं। अब लुक एट द ब्यूटी, ये जो दोनों का कोएग्जिस्टेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं फर्क यहां से शुरू होता है। पैसा आपने दान दिया, आप दान देके भूल जाते, उल्टा मारे तो ये कहावत है कि दान जो है वो एक हाथ को दूसरे हाथ को पता नहीं चलना। नहीं, ऐसा दान जो है वो बहुत ही नादान दान, इस तरह के नादान दान से कोई मतलब। आज हम किसके लिए करते हैं आप देखिए, कभी इससे पूछिए आप पैसा किसके लिए दान देते हैं? धर्म के लिए। आप पैसा किसके लिए दान देते हैं? आप मानो बिल गेट्स ने तय किया, बिल और मेलिंडा गेट्स ने, कि हमको पैसा किसको दान देना है। हमको पैसा दान देना है, बड़े बड़े शब्द बोल सकते थे वो, धर्म, हेल्थ, वेलफेयर, नहीं एक वर्ड, वैक्सीनेशन। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी लाना, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन है तो फिर उसी का, और उसके बाद बिल और मेलिंडा गेट्स दुनिया भर में घूमते हैं, जहां जहां उन्होंने दान दिया है वहां जाके चेक करते हैं कि उसका यूसेज। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश को या तो मनी पकड़ना पसंद है या छोड़ना पसंद है। जबकि मनी पकड़ा या छोड़ा नहीं जा सकता, मनी साथ रख के चला या चलाते वक्त साथ रहा जाता है। ये छोटी सी, या तो मैं अपने बच्चे को कहूंगा जा, है ना, सिमरन जी लव यू, अरे कैसे जी हो जिंदगी जो है तो देखो, नहीं या तो बस एक पॉइंट मिले, एक खेला नहीं मिले, काम का नकाज था। हमारे ये दो अप्रोच है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आइदर और अप्रोच नहीं चल सकते। हमें पैसा अगर है और मैंने आपको दिया तो पैसा कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसके क्या रिटर्न्स, ये सब देखना। क्योंकि पैसा एट द एंड ऑफ द डे मेक्स थिंग्स हैपन। प्लीज अंडरस्टैंड, मनी इज द ओनली थिंग दैट मेक्स थिंग्स हैपन, एंड व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन यू कांट लीव इट टू चांस, यू हैव टू लुक एट इट वेरी क्लोजली, एंड दैट मैटर्स। इट्स ट्रू दैट we can't leave the things to chance, and I'm happy that you have used the word chance. कई बार ऐसा कहते हैं कि ये तो राम भरोसे छोड़ दो, ये बहुत गलत है, राम भरोसे छोड़ दोगे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट राम भरोसे का मतलब ये है कि फिर राम का भरोसा आप पे है कि आप मेहनत भी करते हैं। क्या बात, तो इसलिए चांस में कोई भी चीज को ना छोड़ो, एंड डू विद योर ओन डेडिकेशन। धीरूभाई अंबानी की जो सेइंग मैं कभी नहीं भूलता, बड़ी खूबसूरत लाइन थी उनका, कहना था इस देश में लोग अमीर तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि एक कॉमन आदमी अपना स्कूटर चलाते चलाते रेड लाइट पे रुकने के बाद पड़ोस में एक बड़ी से बंगले की तरफ देख के ये कहना नहीं छोड़ेगा साले ने 2 नंबर का कमाया। पैसा कमाना पाप, हमारे यहां पैसे से पता नहीं क्या दिक्कत है, हमको पैसे वाले अच्छे नहीं लगते। हम लोग पैसे वालों को देख के या तो चलते या कूदते, दो वर्ड होते हैं, एक इंदौर का वर्ड है कूदना, या तो हम जलते हैं या हम कूदते। अरे
आपको हम अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? इस देश में पैसा तभी कमाया जा सकेगा जब तक कि पैसे को देखकर हमारे अंदर ये दो भावनाएं आना खत्म। क्या दिक्कत? अगर कहीं पूल खिला है तो पानी चाहे वो गटर का गया हो चाहे वो किसी का भी गया हो, खुशबू तो सब तक पहुंचती है। आज उद्देश्य जरूरी है अच्छा, लेकिन वो लोग भी आपको जानते हैं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपको सब जानते हैं मंदसौर में, आप जानते हैं मंदसौर टारगेट को नाम लेना है, चेता पर ले लिया, ये एडिट कर कर आपको किसी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वहां पे मंदिर है, उस मंदिर में जो है वो एक क्या बता हुआ है, परसेंटेज बता हुआ है, क्योंकि मंदसौर नीमच के आसपास जो है ना अफीम की बहुत सारा तस्करी होती है, तो वहां जब अफीम कराते हैं तो गाड़ी पकड़ी न जाए इसके लिए उस मंदिर में 10-20% का कट है। मतलब अगर ये पार हो गई पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा तो साहब इसके ओवरऑल वर्क का 10-20% करवाना। मैं नाम भी लूंगा मंदिर का, अमेजिंग। आप देखा ध्यान से, आपको जान के आश्चर्य होगा, पर हमारे यहां ना धर्म को भी पैसे और धर्म को कैसे जोड़ते हैं, आप ध्यान से देखिए, मतलब अधर्मी लोग धर्म भी करते हैं ना तो भी सॉरी पैसा भी कमाते हैं ना गलत तरीके से, तो भी उस पर क्या डाल देते हैं, धर्म डाल देते हैं। आपको पता है रामालिंगम राजू सत्यम बहुत बड़ा जो स्कैम था, आपको मालूम है रामालिंगम राजू ने किस दिन पे अपना जुर्म कबूल किया था? उस दिन वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ एकादशी के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो सारे देवताओं से नीचे आते और आपके सारे पाप माफ कर देते। हमारे यहां हम पैसे का यूज माफ नहीं करते, धर्म का अब्यूज तक माफ कर देते। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारा पैसे की तरफ, सुनिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसे की तरफ हमारी, पैसे की तरफ हमारी फिलोसॉफी में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। जब तक वो फंडामेंटल फ्लॉ खत्म नहीं तब तक पैसा और हैप्पीनेस साथ में नहीं आता। अगर ये सारा फंडामेंटल फ्लॉ खत्म करके पैसे कमाने के प्रोसेस को एंजॉय करते हुए साथ में उसमें से वक्त कमाते हुए, सेहत कमाते हुए, ये पूरी हार्मनी क्रिएट की जाएगी तो पैसा हैप्पीनेस ला सकता। सही बात है। प्रश्न या और सबकी कोई टिप्पणियां हो तो सर, शुभ लाभ की कंसेप्ट थोड़ी सी विशद कीजिए, शुभ लाभ की कंसेप्ट थोड़ी सी समझाइए। शुभ लाभ मतलब जो आपको लाभ हो वो शुभ तरीके से हो, जैसे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, आप उसको पैसा देते हैं कुछ ब्याज पे देते हैं, अच्छी बात है, पर मान लीजिए आपने उसके मौके का फायदा लेते हुए उसको ये कहा कि नहीं ये 100 रुपया तुम्हें देता हूँ लेकिन उसको 1 महीने बाद 200 रुपये दे, अब वो व्यक्ति मरता क्या ना करता, आपको मान लिया और किसी तरह से उसने 200 रुपये दे दिए और वो देने में उसका सब कुछ बिक गया, तो वो जो आपको लाभ हुआ 100 रुपये का दूसरे व्यक्ति ने एग्री किया लेकिन वो आपको फलेगा नहीं जो हम कहते हैं, तो देर आर स्पिरिचुअल लॉस जो हम अभी बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे लॉ डिफाइन करता है उसके हिसाब से हम चलते हैं, पर देर आर सम स्पिरिचुअल लॉस, तो ये आपको ऐसा पैसा फलेगा मतलब लालच के द्वारा या इस तरह से जो आप पैसा कमाए, जैसे एक कथा कहानी भी है ना इसमें कि एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे को कहा कि इतने पैसे चुका देना नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर से 5 किलो मांस निकाल दूँ, ठीक है कागज पे भी लिख दे दूँ, वो व्यक्ति नहीं चुका पाया तो राजा के पास केस गया कि भाई ये मेरा पैसा इसने नहीं चुकाया, अब मैं इसका 5 किलो मांस चाकू से अभी निकाल, उस व्यक्ति ने कहा मुझे बहुत दर्द होगा महाराज मुझे बचा दीजिए, मैं पैसा नहीं दे सकता कुछ समय दे दीजिए, उसने कहा नहीं मुझे पैसा बाद में नहीं चाहिए, मुझे या तो अभी के अभी चाहिए और वो भी इसी से चाहिए और या फिर 5 किलो मांस चाहिए, तो देखिए ये एक गलत अप्रोच है, हालांकि राजा ने भी उसमें उसको क्या कहा आपको पता है कि ठीक है मांस निकाल दो लेकिन ध्यान रहे एक खून खून की नहीं चाहिए, तो बात मांस की हुई है खून की नहीं, तो ये शुद्ध आप जो है मतलब अच्छे तरह से और इसमें आप लोग तो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी जानते हैं,
उसमें भी बड़ा ही साइंटिफिकली सोचने की कोशिश की गई है कि कैसे ब्याज को इस तरह से, मुझे लगता है आप में से कोई इस्लामिक बैंकिंग, आप खुद बताना चाहेंगे इस्लामिक बैंकिंग या कॉन्सेप्ट नहीं क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं आप, इस्लामिक बैंकिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेगा और इसके अंदर ब्याज, क्योंकि उसके अंदर ब्याज जो है क्या माना गया है, हराम माना गया, तो उसको कैसे वो लोग यूज करते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे सब करते हैं आप सोच के देखिए, वो शुभ लाभ का कॉन्सेप्ट। और कोई क्वेश्चन? मैं आपको बहुत सभी को बड़ा अनुग्रहित महसूस करूंगा कि सिद्धार्थ भैया कुछ अपने विचार रखते हैं। Good morning, this is Purohit speaking. अभी चर्चा हो गई है कि money is not required for own sake. Money is required because it serves some purpose. Needful store value, but एक economics में कल्पना लेकिन जो मैं माइनर में तो वो आपके सब शास्त्र से परे माइनर में कल्पना ये है कि ये रिक्वायर्स मनी फॉर द सेक ऑफ मनी मनी के मैनेजमेंट हेडअप में पड़ा हुआ है ना, उसको कैसे अर्न किया है हेडअप में पड़ा हुआ है, पर फिर इंटरेस्टेड इज अकुमुलेटिंग मनी एंड एवरी डे गेट्स अप टू सी हाउ मच मनी आई हैव अक्युमुलेटेड। तो जितना उसका मनी का अक्युमुलेशन बढ़ता जाता है उसकी हैप्पीनेस उतनी बढ़ती जाती है, और किसी दिन उसको कोई कह दे या उस पर कोई प्रेशर आ जाए कि भाई मुझे खर्च करनी पड़ेगी अपना, तो वो उसके लिए कठिन विषय हो जाता है। तो ही इज हैप्पी बाय जस्ट एक्वायरिंग मनी, दैट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज मनी की हैप्पीनेस की डेफिनेशन की तरह से बहुत रिलेटिव। यस, इट्स इट्स रिलेटिव वेरी रिलेटिव। किसी ने ये भी कहा साथ में कि मनी से सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो, का मैंने जो जवाब मैंने उसको ये दिया था, मनी ऑल्सो सेज आई विल नॉट गो विथ यू बट माई गुडनेस कैन गो विथ यू। अगेन दम बहुत इम्पोर्टेंट, और वही चीज है जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, इवन बिजनेस पे भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपने कभी सुना है एक सबसे इम्पोर्टेंट सेइंग है, द ओनली टेस्ट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट इज अ कस्टमर हु इज विलिंग टू पे फॉर इट। कि ऑब्जेक्टिविटी तो मनी ला सकता है, हमने कितनी भी अच्छी चीज क्रिएट क्यों नहीं की हो, लेकिन द ओनली टेस्ट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट इज अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट। तो शायद फाइनली आता वही है कि वो धर्म तरीके से किया है और उसे वो ऑब्जेक्टिविटी लाई जाए, लेकिन पैसा हैप्पीनेस मुझे लगता है ला सकता है एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्ट्रिंग अटैच्ड दैट इज कंडीशन ऑफ लाइफ। जैसे नारायण मूर्ति का एग्जांपल देखिए ना आप, सब बेस्ट
नारायण मूर्ति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप सोचिए कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। वो टर्म ही मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुई। टर्म का नाम है सोशल कैपिटलिज्म। सोशल कैपिटलिज्म क्या है? नारायण मूर्ति ने इतने बिलियनियर्स क्रिएट किए आप सोच के देखिए, जितने किसी भी और कंपनी ने किए उतने इंफोसिस ने किए। रीजन, क्योंकि वही है एथिकल तरीके से। सो यू नो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सरिता और इसमें बड़ा अच्छा था कि नरेश रात को करवट बदल रहा था तो उसकी बीवी ने कहा क्यों क्या हो गया, तो नरेश ने कहा कि मुझे कल महेश को 50,000 रुपए देने हैं, तो उसने कहा क्यों करवट बदल रहे हो, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है देने के लिए, तो वो बीवी उठी उसने उठा के महेश को फोन लगा दिया, उसने कहा महेश तुम्हें जो नरेश को देने हैं नरेश ने तुमको 5,000 रुपए देने 50,000 रुपए वो उसके पास नहीं है और रख दिया, और फिर उसने कहा अब तुम सोचा वो जगह
हाइजीन फैक्टर है जो I think it all boils down to expectations. I think we are a generation which expects far too much. We have to have rationalized expectations. Sir, मैं छोटे से example की बात निकल आई तो मेरे एक senior पढ़े सर, उनका बड़ा खूबसूरत हुआ, तो वो उनको indicate आ रही marketing में. उनसे जाके हमने बड़ा दुख चलाया, तो मेरी तरफ से ये कहते हैं, देखो अत्रे वैसी जिंदगी में औकात से ज्यादा मिल गया. कहां रीवा के छपरे वाले स्कूल में पढ़ा करते थे, देखो आज प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे. अभी मेरी तरफ देख के कहते हैं, तुम्हें पता है अत्रे गाड़ी साइड मिरर क्यों होता है? मैंने कहा क्यों होता है? कहते देख लो इतने आगे तुम देखो पीछे भी तो. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट यू रैशनलाइज एक्सपेक्टेशंस. दैट्स गुड. इसका मतलब ये नहीं था कि मार्केटिंग में एटीवेट लाने से अपने साथ. My father always said, one should not pay for money, but one should not be forced to pay for money also. Brilliant point. One should not pay for money, but one should also not be forced to pay for money. Rabatana, with money, you will still suffer, but you can choose the way you want to suffer. So now, with money you will still suffer, but you can choose the way how you will suffer. It's better to cry in the morning rather than crying at rest of. Yes, it is. Better to cry in the morning rather than crying at bus stop. Yeah, I was saying that happiness is the, I think, essence to understand the difference between the want, the need, and the desires. Absolutely. As soon as we understand the difference, I think we can achieve happiness. What should we have for some? These are very special things. Now I request my colleague Vicky Mishra to further continue the program.